नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर अपडेट का 26/9/2018 का करंट अपडेट। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने की कोशिश नहीं रहेगी मेरी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26/9/2018 के अंदर, जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप लोग एग्जाम से वाइज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके अंदर मैं पूरा आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो पूरा वीडियो को ढंग से देखिए, ठीक है, और सारे के सारे वीडियो को बिल्कुल, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक भी जानकारी मिस ना हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ढंग से देखिए। और साथ में अगर आप लोग के पास कॉपी पेन हो तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके आप लोग उनको नोट्स को भी उतार लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाए तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और या तो आप लोग को जो भी मटेरियल चाहिए वो आप लोग जा सकते हैं मेरे ब्लॉग पे और वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने विधानसभा के लिए नेवा नामक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पूर्ण रूप क्या है। देखिए नेवा की फुल फॉर्म इसके अंदर पूछ ली गई है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, न्यू विधान ऐप, नेशनल ई विभाग असेंबली, न्यू ई विधान असेंबली, ठीक है, और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, जिनका पेपर बैंक का है, ठीक है, और रेलवे का है, और प्लस एसएससी का जिनके बैंक हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर पे ऑनलाइन पेपर होते हैं स्पेशली, ठीक है, वो लोग इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा कमांड रहे हैं क्योंकि फुल फॉर्म आप लोगों से जरूर पूछेगा, ठीक है। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जिलों की समस्या को देखने और सुधार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, न्यायमूर्ति आरएस लोढ़ा, ठीक है, और न्यायमूर्ति अमिताव राय, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायमूर्ति अमिताव राय, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस जीव की रक्षा के लिए सिटीजन साइंस प्रथा की शुरुआत कर दी है। ऑप्शन नंबर है ह्यूमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर सी हॉर्निबल, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉर्निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी जीवन सुगमता सूचना के अनुसार आसान जीवन व्यापन करने का दृष्टिकोण से किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हो चुका है। तो वो स्थान हो चुका है आंध्र प्रदेश को, ठीक है, पहला स्थान जो प्राप्त हो चुका है आंध्र प्रदेश को प्राप्त हो चुका है, जो जहाँ पे जीवन यापन करने के लिए आसान जीवन यापन करने के लिए इस राज्य को अच्छी सुविधा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे टिपेश्वर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है, तो वो किस राज्य में स्थित है, वो है आप लोगों के महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में जारी दुनिया के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में भारत के किस हवाई अड्डे का 16वां स्थान मिला है, ठीक है, तो जयपुर इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ठीक है, अंधेरी वेस्ट, या फिर छत्रपति शिवाजी। तो सबसे ज़्यादा व्यस्तम हवाई अड्डा जो है भारत का वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, भारत में नंबर वन है, और वर्ल्ड में देखा जाए तो 16th प्लेस पे है। अब आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन सा हवाई अड्डा है, ठीक है, इंडिया में तो ये नंबर वन पे हो गया, ठीक है, इंडिया में 16th नंबर पे भी हो गया, ठीक है, सॉरी वर्ल्ड में 16th नंबर पे हो गया। अभी मुझे बताइए कि वर्ल्ड में नंबर वन पे, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर वन पे कौन सा व्यस्तम हवाई अड्डा है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होगा तो मैं भी आप लोगों को उसका आंसर कमेंट में दे दूंगा, प्लस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने किस भारतीय अभिनेत्री को पर्यटन के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है, माधुरी दीक्षित को, अमीषा पटेल को, जयप्रदा को, या फिर करीना कपूर को, ठीक है, तो जयप्रदा, ठीक है, जयप्रदा को, ठीक, जो हमारी नेपाल है, नेपाल में पर्यटन के लिए गुडविल एम्बेसडर जो है जयप्रदा को अब आखिर चुना गया है। हाल ही में भारत ने उड़ीसा परीक्षण केंद्र से इंटरसेप्टर एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिस मिसाइल का नाम क्या है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, आकाश डिफेंस व्हीकल, अग्नि डिफेंस व्हीकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी आखिर कौन बन चुके हैं, ठीक है, तो एम एस धोनी जो हैं सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दूसरे नंबर वन प्लेयर बन चुके हैं, ठीक है, दूसरे प्लेयर बन चुके हैं, इंडियन प्लेयर बन चुके हैं। आप मुझे बताएं, कमेंट में जरूर बताने की कोशिश कीजिए, पहले, ठीक है, जो भी एम एस धोनी के फ़ैन हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, ठीक है, तो जो पहले नंबर पे कौन सा इंडियन प्लेयर है जो कि इंटरनेशनल मैचेस सबसे ज़्यादा खेल चुका है, तो मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को फीफा का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है,
ठीक है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, बहुत फेमस नाम है। लियोनल मेसी, बहुत फेमस नाम है। ऑप्शन नंबर सी लुका मॉड्रिक, इन ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है लुका मॉड्रिक को, ठीक है। और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दोनों नाम आप लोग देख रहे हैं, रोनाल्डो और मेसी, ठीक है, ये हर बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा इनका नाम है। तो प्लेयर बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज रहता है इनमें से जो चूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे लुका मॉड्रिक इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अभिनेता इरफान खान ने विवादित बांग्लादेशी फिल्म डूब को ऑस्कर 2019 के लिए नामित किया गया है, ठीक है। इसके निर्देशक कौन है? सुभाष घई है क्या, करण जौहर है, मुस्तफ़ा सरवर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है मुस्तफ़ा सरवर है। बांग्लादेशी फिल्म है जिसमें एक्टिंग जो की है वो इरफान खान ने की है। उस मूवी को आप लोग जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा विवादित फिल्म है, ठीक है, और 2019 में यह ऑस्कर के लिए जाएगी। तो देखते हैं क्या बनता है इसका। बहुचर्चित सोशल कंपनी इंस्टाग्राम के सह संस्थापक जिन्होंने हाल ही में अपने पद का इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, ठीक है, तो दो इसके हैं, केविन सिस्टोम भी हैं और माइक क्रीगर भी हैं। ये दोनों के दोनों इस्तीफा देने वाले हैं अब, ठीक है, और इंस्टाग्राम से सह संस्थापक है दोनों के दोनों, और ये अब दोनों के दोनों वहाँ से इस्तीफा दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन इस करंट अफेयर के अंदर कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, या फिर आप लोगों का क्वेश्चन अटकता है, या फिर आप लोगों की इंक्वायरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है उसको कमेंट में ही देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है करंट अफेयर से रिलेटेड, या फिर जॉब से रिलेटेड, या फिर एजुकेशन वीडियोज़ और सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन वीडियोज़ के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाए, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, ग्रुप सी और सारे सारे एग्जाम के लिए। एजुकेशन मटेरियल के लिए आप लोग जा सकते हैं हमारे blogspot.com पे। यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी जॉब अपडेट्स, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैक्सिमम जानकारी मैंने इसके अंदर देने की आप लोग कोशिश की है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई इंक्वायरी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही लौटूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार वाला दिल चा निखलना।